हनुमान जन्म उत्सव पर मुरादाबाद में जगह जगह हवन, यज्ञ, भंडारे एवं सुंदरकांड, रामायण आदि के कार्यक्रम किए गए। हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर शिव शक्ति मंदिर लाइन पार पर भी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हनुमान जन्म उत्सव के इस मौके पर मंदिर के महंत अभिषेक मल्होत्रा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जन्म उत्सव के इस अवसर पर मंदिर में भव्य कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर संजय वर्मा, प्रदीप वर्मा, अनिल मेहलोत्रा, आलोक कुमार वर्मा, चिंटू भाई, अतुल गुप्ता, भावना गुप्ता, चिराग वर्मा, अर्चना कपूर, मोहन कपूर, सोनू भाई आदि लोग मौजूद रहे। बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है, बालाजी जयंती पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, 56 भोग लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हर 15 दिन में एक मंगल छोड़ के एक मंगल दरबार लगता है बालाजी का, जिसमें सुंदरकांड का पाठ होता है। और लोग मानते नहीं होंगे, आज की जनरेशन जो दूध बूध जो कहते हैं उनके संकटों को काटना सबसे सबसे बड़ी बात है कि जो निःशुल्क वाली बात है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क संकट काटा जाता है। दूर दूर से लोग, मेरे ख्याल से शायद लखनऊ, गोंडा, जयपुर, हम तो खुद हैरान है, हम पे भी संकट था, हमारा संकट यहाँ कटा जो 15 सालों से कई दरबारों में जा चुके, जहाँ सिर्फ पैसे लिए हैं, या पैसा नहीं लिया जाता या संकट काटा जाता है। यहाँ के जो महंत जी हैं, श्री शिव शक्ति मंदिर के लाइन पार अमरनाथ प्रॉपर्टी के सामने ये मंदिर है, इनके महंत जी हैं श्री अभिषेक मल्होत्रा, उन पर बाबा की पूरी कृपा है और बहुत ही सच्चे आदमी है। उनसे दरबार को सिर्फ इसीलिए लगा रहे कि लोगों पर संकट काट सके, पैसे का कोई लालच नहीं ना लेते हैं, उल्टा अपने पास से ये सारे हवन जो आप देख रहे हैं इस जगह पे, हवन फ्री है, भंडारा फ्री है, आने जाने वालों को जो परेशान होता है, अभी आप देखिए कि स्ट्रेचर पे आदमी आया है हॉस्पिटल से, उसका पूरा एक्सीडेंट हो चुका है, एम्बुलेंस में आया है, वो उसकी आस्था इतनी हो गई है कि वो यही मानता है उसके आधे संकट कटे हैं। अब स्पेशली हॉस्पिटल से यहाँ आया बाबा के दर्शन करने, आज हनुमान जयंती पर उनका जन्मदिन मनाने। तो आज जितने लोगों के संकट कट रहे हैं, मेरी बीबी को भी महाराज ने दूध महाराज दिए हुए हैं, तो उनकी कृपा रही, हमारा व्यापार में भी बहुत नुकसान हुआ था, वो भी हमारा पूरा हुआ, ये सब इनकी कृपा से हुआ। इनके सिर्फ 4 ही मंत्र है कि आप अच्छे कर्म करो, लोगों के संकट काटने के लिए मांस मदिरे का प्रयोग खत्म करो, और सबसे बड़ी बात है अच्छा व्यवहार करके बालाजी महाराज के चरणों में सुबह शाम पूजा पाठ कर रही है समय से। ये मंदिर की जद्वार जो है किस जगह किस स्थान पर लगता है मुरादाबाद? ये सर लगता है लाइन पार में है, ये अमरनाथ प्रॉपर्टी के सामने श्री शिव शक्ति मंदिर, ये पहले जो यहाँ दुकानें काटी गई है, पहले फैक्ट्री थी, दुकानें कट गई, तो ये मंदिर है पूरा, ये बहुत पुराना मंदिर है। भाई सर, आज जो बालाजी का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें क्या क्या प्रोग्राम आपने रखे हैं, सोचे क्या कार्यक्रम चल रहा है इसमें? आज एक तो जो लोगों के संकट है, सबसे परेशान है, उनके संकट काटे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे लोग झूम रहे हैं, जो झूम रहे हैं वो दूर दूर से आए लोग हैं। उसके अलावा भंडारा है रात को, हवन निःशुल्क का भी हवन शुरू हो जाएंगे, और 56 भोग लगे हैं, और हर तरह के प्रसाद की जो जिस चीज़ की श्रद्धा है वो प्रसाद लेके आ रहा है, वो प्रसाद बाबा को चढ़ाया जा रहा है। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा और कब से कब तक? ये कार्यक्रम तो ये हाल हो गया जी, अब हर मंगल एक छोड़ के रात के 4 बजे तक लोगों के नंबर आते नहीं है, और अब जो आज जो ये होना है, ये भी आज मुझे लग रहा है रात के 4 बज जाएंगे, क्योंकि 9 बजे से अभी हवन शुरू हो, क्या टाइम हो गया, 9 बजने वाले होंगे, अब हवन शुरू होंगे तो हवन के बाद उसका भोग लग के फिर भंडारा होगा, यानी कि समझ लीजिए 12-1 बजे तक भंडारा होगा। उसके बाद जिन लोगों को समय से, जो लोग दूर दूर से आए, आपको संकट है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में परेशानी है, भूत है दूत है, उसको महाराज देखते हैं, और रात के 4-4 बजे तक लोगों के नंबर नहीं आते। तो हर मंगल को ये प्रोग्राम आपका, एक मंगल छोड़ के हर दूसरे मंगल को। और इस मंदिर का एक कायदा कानून यही है कि आपको 5:30 बजे सुंदरकांड का पाठ है, आप जब सुबह आएंगे पाठ पे समय से, तभी ये शक्तियाँ आपकी मदद कर पाएंगी। अच्छा, महंत जी का क्या नाम है? महंत जी जो है जी, यहाँ श्री अभिषेक मल्होत्रा जी हैं, और बहुत ही नामी और बहुत सज्जन आदमी है, उनकी अगर आप शक्ल देखोगे तो चेहरे पे जो नूर से ही समझ में आ जाएगा, इंसान के चेहरे से पता लग जाएगा। अच्छा, आपने इन भक्तों के लिए जो आए हुए हैं, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई मैं तो उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे मेरा संकट कटा, मेरी को रिश्तेदारी तो है नहीं इस मंदिर से, आज मेरी आस्था बन गई है, मेरे को जितनी व्यापार में परेशानी थी, मेरे बेटे पे भी परेशानियाँ जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे वो मेरे को दिख गई, 10 साल से मैं कई दरबारों में भटका, पैसे ही खर्च हुए, यहाँ मेरा पैसा कोई खर्च नहीं हुआ, दिल से अगर मैं कुछ देना भी चाह रहा हूँ तो महाराज लेते ही नहीं, यहाँ तो ये हाल है। और लोगों से यही कहूँगा कि आपकी नज़र में आप मत करो किसी की मदद पैसे से, अगर आपको लग रहा है कोई परिवार परेशान है, पी रहा है, खा रहा है, उसके घर में दिक्कत है, आप उसको पता दे दो, यहाँ आप समझ लो आधा पुण्य आपने कहा, क्योंकि यहाँ ये पैसे लेने की धंधा नहीं है, यहाँ व्यापार नहीं है, यहाँ जेन्युइन बालाजी की शक्तियाँ हैं जिसका आपको फायदा मिले। महन जी पे बालाजी महाराज जी की कृपा है, उनके ऊपर उनका आशीर्वाद है, उस चक्कर में औरों को भी वो फायदा हो रहा है, कोई निःशुल्क है, बस इसमें एक शर्त है कि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, बाकी कष्ट दूर करना बाबा का काम।